हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट अ नोट ऑन यूसुफ माजनी। यूसुफ माजनी पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। वाज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी। यूसुफ माजनी एक इटालियन क्रांतिकारी थे हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ यूनाइटेड इटली। इटली की यूनिफिकेशन में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ज्वाइन द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। बेटा, कार्बोनरी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इटली की यूनिफिकेशन के लिए काम कर रही थी। तो माजनी ने इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस सोसाइटी को ज्वाइन किया। इन 1831 ही वाज एक्साइल्ड फॉर अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन इन लिगेरिया। लिगेरिया में जब माजनी ने विद्रोह करने की कोशिश करी तो इनको देश से निकाल दिया गया। लेटर ऑन बाद में ही फॉर्म्ड टू अंडरग्राउंड सोसाइटीज। माजनी ने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई थी। बेसिकली इन्होंने ये सोसाइटीज छुपकर बनाई थी। वन वाज यंग इटली, एक थी यंग इटली एंड इन मार्सिले, एंड द अदर वन वाज यंग यूरोप। यंग इटली इटली में बनाई थी और इसका पर्पस ये था कि लोगों को एक जगह आकर यूनिफाई कर सके। एंड यंग यूरोप सोसाइटी बनाने का पर्पस ये था कि जो और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इटली की यूनिफिकेशन में उन्हें मदद करें। He believed that, उनका ये मानना था, nation is the natural unit of mankind, कि ये God की तरफ से है, कि nation जो है, देश जो है, ये एक natural unit है इंसानों के रहने के लिए। जैसे एक society होती है, ये एक unit है, state एक unit है, country एक unit है, earth भी एक unit है, जहां इंसान रहता है। And therefore, और इसलिए Italy also had to be emerged as a single unified republic. तो इसलिए उनका मानना ये था कि इटली जो अभी 7 states में divided है, उसको unify करके एक single republic, unified Italy बनाना चाहिए। He opposed the monarchy persistently. वो लगातार monarchy को oppose कर रहे थे, उसके against थे। And his vision of democratic republics. और उनका जो ये vision था कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। उनके इस विजन से, उनके इस आइडिया से, डेमोक्रेटिक आइडिया से कंजर्वेटिव्स को बहुत डर लगता था। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।